बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आलू लोबिया की सब्ज़ी बना रहे हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखें, मैंने 1 किलो लोबिया लिया था, इसको इतने बड़े बड़े पीस में काट के रख लिया है, और तकरीबन 1 किलो ही आलू लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज फाइन चॉप कर ली, 2 टमाटर हैं वो भी पीस के रख लिए हैं मैंने, और 1 कप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, उसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छे से हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सर्दियों के सीज़न में सब्ज़ी आती है, बहुत मज़े की लगती है। टोमेटो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, बड़ी चटपटी सी, बहुत मज़े की बनती है भुनी भुनी ये सब्ज़ी। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, पराठे से खाएं, रोटी, बेसन की रोटी जिससे चाहें खाएं, बहुत मज़े की लगती है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने भर के पीसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून टेबल स्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है, और नमक ऐड किया है हसबे ज़ायका। मसाला देखिए हमारा बिल्कुल भुनता जा रहा है। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। पहले हम आलू अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट सा होता है, और ये सिर्फ सीज़न में आती है, तो इसको आप लाजमी बना के खाएं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अब मैं इसके अंदर फलियां ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, जल्दी पक जाती है सब्ज़ी। बिल्कुल हम इसको तली तली बनाएंगे, इसको हम ग्रेवी में नहीं बनाएंगे, बिल्कुल हम इसको सूखी सब्ज़ी बनाएंगे भुनी हुई, इसी तरह से जिस तरह से इस वक्त नज़र आ रही है, हमारी पकने के बाद भी सेम इसी तरह से होगी। आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर, और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। मेरे चैनल को जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। ये देखें हमारे आलू और लोबिया गल चुके हैं बिल्कुल, इसका जो पानी है थोड़ा सा हम वो भी खुश कर लेते हैं, और इसको फिर हम डिश आउट करेंगे। इसके अंदर अब मैं भुना कूटा ज़ीरा और धनिया ऐड कर रही हूँ एंड में, और हरी मिर्चें ऐड की हैं इसके अंदर। भुने हुए ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसके अंदर, एक अलग ही खुशबू आती है इसके अंदर। ये देखें हमारी आलू लोबिया की सब्ज़ी बिल्कुल पक के तैयार है। देखें कितनी भुनी भुनी सी तली हुई सूखी सब्ज़ी बनी है, और बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम तो इसको बेसन की रोटी से ज़्यादा शौक से खाते हैं, आप जिससे चाहें खाएँ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।